फ्रेंड्स हम बनाएंगे चाप। फ्रेंड्स मैंने आधा किलो चाप ले लिया है और ये हमारे घर पे लाइट नहीं है और बाहर भी लाइट नहीं है दुकानों में, तो ये सॉफ्ट है तो हम इसको बिना ही उबाले बनाएंगे धोकर अच्छे से। और मैंने ले लिए हैं 5-6 प्याज और 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं करती हूँ तैयारी, इतना सामान काटने के बाद दिखाते हैं हम बनाएंगे चाप काट के। पिछली बार हमने साबुत बनाया था, इस बार ही हम काट के बनाएंगे। फ्रेंड्स ये मैंने खड़े मसाले डाले, देख लीजिए क्या क्या डाल रही हूँ मैं। इसमें है छोटी इलायची और तेज पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च है, इसमें डाल देते हैं। और साथ में डालेंगे जीरा, आधा चम्मच जीरा है। और मैंने इसमें डाला है 1 करछी भर के तेल सरसों का, आज बनाएंगे कुकर में। और मैंने प्याज हरी मिर्च इसमें काट दिया है, चलो इसको डालते हैं हम इसमें कुकर में। तब तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाए इतना हम काट लेते हैं अपने चाप। मैंने निकाल के रखे हैं, एक तो मैंने काटा है, अब ये सारे काट लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लिया, इसमें डाल देते हैं, इसको भी भूनने के लिए छोड़ देंगे हम प्याजों के साथ ही। फ्रेंड्स मैंने टमाटर काट के डाल दिया, हम थोड़े से काजू भी डालेंगे इसमें, इसको पीस लेते हैं इसके साथ ही। फ्रेंड्स प्याज हो चुके हैं, अब हम डालेंगे टमाटर जो मैंने पीस लिया, तो डालते हैं। अब इसमें डालते हैं हम मसाले। फ्रेंड्स मैंने मसाले डाल लिए इसमें प्लेट में, नमक रख लिया है मैंने 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी और उससे आधा चम्मच है लाल मिर्च क्योंकि हरी भी डाल रखी है, और ये है ये लौंग। फ्रेंड्स 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और मैंने दालचीनी का पाउडर लिया थोड़ा सा, और ये देगी मिर्च है, और ये सूखा धनिया पीसा हुआ गर्म मसाला, और ये किचन किंग है, चलो डाल देते हैं हम इसको इसमें। गैस को कर देते हैं तेज, क्योंकि मैंने सिम कर दिया था। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, जो मिक्सी में हमने टमाटर भी था पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये चाप धो लिए थे फिर काट लिए मैंने इसी में, और मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया थोड़ा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे मसाले में, फिर हम डालते हैं मलाई, फ्रेश मलाई। नीचे निकाल देगी मानिया। फ्रेंड्स हम मलाई डाल रहे हैं, फ्रेश मलाई डाल रहे हैं 2 चम्मच बड़े, और थोड़ा सा हम डालेंगे दही, घर की जमी हुई दही थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें। दही डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं इसको भी। अब इसमें हम डालेंगे चाप, पहले तो मैंने साबुत बनाई थी, अब मैंने कट करके बनाया है, कोई भूल जाएगा साथ में मसाले के। 1 मिनट बाद देखते हैं। अब डालने लगी मैं पानी, थोड़ा सिम पे हो जाएगा, सिम कर देते हैं गैस नॉर्मल, 1 मिनट बाद देखते हैं। फैंस मैं हटा के देख रही हूँ ढक्कन, देखिए फैंस तेल छोड़ दिया सब्जी ने, और हम इसमें अब ऐड करेंगे पानी। मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, इसमें ऐड करते हैं, मिक्स
करते हैं। और दो सीटी आने के बाद हम बंद कर देंगे। चलो लगाते हैं हम ढक्कन। मैंने लगा दिया ढक्कन, दो सीटी आने के बाद हम बंद कर देंगे। चलो फिर दिखाएंगे बाद में आपको। फ्रेंड्स मैंने ढक्कन खोल दिया है अभी, तो मैं चाप देखने आई थी। और हमारी सब्जी हो चुकी रेडी, चलो हम करते हैं प्लेटिंग। देखिए फ्रेंड्स मैं हिला के दिखा देती हूँ आपको, फिर भी हमने कुकर में बनाया है वो शक्ल तो अच्छी लग रही है। और आप भी ज़रूर बनाइएगा कुकर में, बहुत टेस्टी बनता है। चलो करते हैं प्लेटिंग। इसमें डालते हैं हम कसूरी मेथी। फ्रेंड्स मैंने कर दिया प्लेटिंग, आप ज़रूर बताना कमेंट में आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और ज़रूर बनाना आप भी कुकर में। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।